आपका स्वागत है हमारे आपका न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद हैं। सर, कैलाश गहलोत ने इस्तीफा दिया है, इसे आप किस तरीके से? नहीं, कैलाश गहलोत ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को उजागर करते हुए इस्तीफा दिया है। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर लड़ाई लड़ रही थी जनता की, उन मुद्दों की पुष्टि आज कैलाश गहलोत ने कि हाँ, शीश महल हो, यमुना की सफाई हो, ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिस पर अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी चेहरा सामने आया हुआ है और उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा है। हमारा भी ये मानना है कि हर वो आदमी जो दिल्ली को प्यार करता है, दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना चाहता है, वो अब अरविंद केजरीवाल के लुटेरों को गैंग में नहीं रहेगा। जब उनसे मीडिया ने इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने माइक सर काट दिया। अब वो कैसे अपनी चोरी और अपने भ्रष्टाचार के बारे में अरविंद केजरीवाल बोलेंगे? तो मीडिया को भी थोड़ा सा संवेदनशील होना चाहिए कि भाई चोरी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल से सवाल ना पूछें। आपकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई का दबाव, अगर ईडी सीबीआई का दबाव था तो मैं इन्हीं से पूछता हूँ, अरविंद केजरीवाल से, क्यों उसको अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया हुआ था, क्यों उसको सारी जिम्मेदारी दी हुई थी? अब सांप पीटने के बाद जाके लकीर पीटने का फायदा कुछ नहीं। अनिल झा की पार्टी ज्वाइनिंग, अनिल झा हमारे संपर्क में है, वो वापस आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद थे। आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं।